देख सकते हैं व्यू यहाँ का कुछ इस तरह से है। ऐसा सनराइज हो रहा है यहाँ पे देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम प्यारे प्यारे से फूल भी खिले हुए हैं, कितने मस्त से खिले हुए हैं एकदम से। सुबह सुबह की तरोताज़गी हवा जो होती है तो वो बहुत ही प्यारी होती है। तो दोस्तों, अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो हमें सुबह सुबह एक तो जल्दी उठनी होगी, और हमें जो है सुबह का जो है अपनी आदत को जो है थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, और उससे क्या होगा ना, हमारे शरीर को कुछ फ़ायदे होंगे। आपको कुछ एक महीना करके देखना है तो आपको ज़रूर बेनिफिट होंगे। तो सुबह सुबह आपको उठ जाना है, अपना वॉक एक्सरसाइज जो भी हो घर पे भी आप कर सकते हैं, और सुबह सुबह क्या करना है, आपको गुनगुना पानी लेना है, 2 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना ही है। और रात को कभी जीरा, कभी अजवाइन, कभी मेथी दाना भिगो के सुबह उसका पानी आपको पी लेना है, और उसके बाद जो है अपने घर के जो भी काम काज है वो आप कर सकते हैं। तो इतना ही करने के बाद आप देखोगे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए होंगे। तो मैंने भी जो है जब स्टार्ट करा था तो मेरा वेट हो गया था 90 kg या 89, तो मैंने भी वहाँ से स्टार्ट करा है दोस्तों, तो सब हो जाता है। तो आप लोग जो है डिमोटिवेट ना हुआ करें और ध्यान से जो है अपने वेट लॉस की जर्नी में लग जाएँ, तो आपका एक ना एक दिन जो है वेट लॉस हुआ ही रहता है। और बाकी जो है खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे चीनी मैदा हमें नहीं खाना है, और जैसे बाहर की चीज़ें जो है कम से कम खाएं। जैसे बहुत लोग हैं कि भाई बहुत क्रेज होता है, तो वो लोग क्या करें कि कभी हफ्ते में एक दिन खा सकते हैं। और आप खाना खाना है तो आपको 32 बार चबा के खाना है। एक दिन में आपको कम से कम 4 लीटर तो पानी पीना ही पीना है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं पौधों को भी जो है पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर इनको पानी हवा ये सब मिल जाए तो ये खिलखिलाते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी है, तो अगर इनको मतलब बॉडी पे ध्यान दिया जाए, पानी पिया जाए और बाहर की चीज़ें ऐसी उल्टे पुलटे ना खाई जाए, तो हमारा शरीर भी धीरे 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 जो है बनने लग जाता है, इस पर भी तरोताज़गी आने लग जाती है। तो यही सब है, और बाकी जो है अभी मैं यहाँ पर अपना वॉक करती हूँ, फिर घर की ओर जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि घर के सारे काम होते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना और नाश्ता बनाना, बाकी झाड़ू पोछा, क्योंकि एक हम हाउस वाइफ हैं। तो आगे को करते हैं अपनी वॉक कंटिन्यू। हवा भी थोड़ी थोड़ी जो है चलने लग गई है, और अभी जो यहाँ पर है 6 बजने को आ गया है, और देख सकते हैं बहुत प्यारा ही मौसम हो रहा है, क्या ही बोले। मतलब 4-5 एक्सरसाइज ऐसी है ना जो हमारे बिल्कुल पेट को और कमर को इफेक्ट करती है, यानी कि वो कमर और पेट का जो फैट होता है हमारा वो इसमें रिड्यूस होता है, मतलब कम होते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले एक्सरसाइज आती है वही वार्म अप वाली, आप चाहो तो कैसे भी वार्म अप कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अपने हाथों को इसे लॉक करके इसमें भी वही है स्ट्रेच करने अपनी बॉडी को इस तरह से। उसके बाद पैर दोनों फैला लेने हैं जितने फैला सकते हो इस तरह से। इसमें घुटने आपके सीधे रहेंगे एकदम। इसको आप शाम को सुबह जब भी टाइम मिलता है घर में कर सकते हैं शाम छोड़ते हुए। रहे चंद मसाले जो है मेथी, अजवाइन और ये जीरा और ये सौंफ, इन सबको क्या करना है, कभी कभी इसकी जो है आपको टी बना लेनी है। इन सबको मिला के एक बर्तन में डाल के इसको 2 गिलास पानी में उबाल लेना है। इतना उबालना है कि जब तक हमारा 1 गिलास पानी न रह जाए उस पानी को, उसके बाद उबले हुए पानी को आप थोड़ा बहुत ठंडा करके चाय की तरह सिप सिप करके पी लेना है। वेट लॉस के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इससे हमारा जो पेट का फैट है, कमर का फैट है, वो जो सब कम हो जाता है,
और ये चाय आप एक बार जरूर ट्राई करें, जिसको ट्राई करने से आपको बहुत फायदा होगा। शरीर में अंदर जो भी परेशानियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो भी इससे कम होता है। न्यूट्रिशन, पोटेशियम, ये सब भी हमें मिलता है। मेथी जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, आप सबको पता है। ये सब पानी पीने से आपको गैस की भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये मैं अपना हफ्ते में 3-4 बार ले लेती हूँ। और बाकी यही सारे 4 मसाले ये ऐसे हैं जिनको आप रात को कभी कभी बदल बदल के, कभी मेथी दाना भिगो दिया, कभी अजवाइन के दाने भिगो दिए, कभी जीरा भिगा दिया, कभी सौंफ का पानी भिगा दिया, दाने भिगा दिए, और उस पानी को रात भर भिगो देना है। उसके बाद सुबह जो है छान के खाली पेट इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद अपना थोड़ा बहुत वे एक्सरसाइज या वे वॉक ये सब कर सकते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस जो है आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे मसाले जिससे हम जो है अपना वेट लॉस कर सकते हैं। है ये पानी, देखो दोस्तों, अगर हम कैसे, हमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दिन भर में पानी पीना है, आपको क्या करना है, एक बोतल में पानी ले लेना है, और 1 लीटर का एक बोतल होता ही है, तो इसको आप कितने बोतल दिन भर में पी लेते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, एक बोतल पानी भर लिया, फिर इसी में से मैं पीती रहती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि यार बस कितनी बोतल मैंने पी ली है, तो समझ आ जाता है हमने कितने लीटर पानी पी लिया। नाश्ते से पहले मैं 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद नाश्ते के बाद 1 गिलास ले लिया। और दूसरा क्या है, ग्रीन टी, हमारे सबसे ये वाली ग्रीन टी मैं लेती हूँ, लिप्टिन ग्रीन टी, ये देख सकते हैं, जिसको खाने के बाद और लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, जिससे हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे जो है कम होने लगता है। यही सारी चीज़ें यूज करके मैंने अपना वेट लॉस करा है, घर पे रह के, बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के, कोई बिना डाइटिशियन के, ये सब चीज़ें लेके मैंने अपना जो वेट है वो धीरे धीरे अपना कम कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको भी घर बैठे अपना वेट लॉस करना है, तो यही सारी चीज़ें अपना के आप अपना वेट आराम से घर पे लॉस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिससे मैंने अपना वेट लॉस करने के लिए ना, तो क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ साथ ही आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने करा। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको 12 घंटे 16 घंटे जो है बिना खाए रहना होता है। अब आप बोलोगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हम लोग कैसे कर पाएंगे, 12 घंटे 16 घंटे हम भूखे कैसे रह सकते हैं, तो रह सकते हैं, क्योंकि रात के 7 बजे से हम डिनर करने के बाद दूसरे दिन 8 बजे या 9 बजे हम अपना खाना स्टार्ट करें, तो उसी को इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, रात के 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, जो भी आपको डिनर करना है 7 बजे से पहले पहले कर लेना है। और सुबह जो है चाय नहीं पीनी है, आप ग्रीन टी ले सकते हो, नॉर्मल पानी ले सकते हो, उसके साथ साथ ही आप जो है आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग पूरा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा जो है सोने में निकल जाता है। उसके साथ साथ ही दोस्तों 32 बार फार्मूला बहुत अच्छा कारगर है हमारे लिए, हम 32 बार फार्मूला से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। 32 बार फार्मूला बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमें खाने को सब चीज़ खाना होता है, लेकिन चबा चबा के खाना होता है, थोड़ी देर अपने को टाइम देना होता है अपने खाने, जब हम लंच करें, डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, तो उसमें 1/2 घंटा हमें लगाना है, उसको हमें खाने चबा चबा के खाना है, खूब सारा पानी पीना है। एक दिन में हमें 4 लीटर या 3 लीटर कम से कम पानी पीना है, अपना जीरा पानी पीते रहना है, अजवाइन का पानी भी पीते रहना है, खाली पेट, जो कि रात को भिगो दो और सुबह खाली पेट इसको पी लो। ये सब करके मैंने जो है अपना वेट लॉस करा दोस्तों, आप देख सकते हैं। मेरी पुरानी फोटो आप लोगों को देखी होंगी कि कितनी मैं मोटी थी, 90 kg मेरा वेट हो गया था, जिसको कम करने के लिए मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी स्टार्ट करा, 32 बार करा, सॉल्ट फ्री करा, और उसके साथ साथ ही अपना योगा करा, एक्सरसाइज करा, वॉक करा, उसके साथ साथ ही जो है मेरा वेट है नॉर्मली जो है ठीक ठाक हो गया, एकदम कम हो गया। मैंने भी बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी थी दोस्तों कि मैं कभी भी पतली नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना, वो मेरे को चिढ़ाते रहता था, तुम कभी मोटी नहीं हो सकती हो, ये तौन देखो, ये देखो, इतना बड़ा था मेरा पेट हो गया था। उसके बाद मैंने धीरे 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 जो है, मैंने जब सोचा, देखा कि 32 बार से हो सकता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग से हो सकता है, तो ये सब करके मैंने अपना वेट लॉस करा, और 6 महीने साल भर में मैंने कम से कम 13-14 kg वेट लॉस किया, जो भी घर पे रह के एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं करा। कभी मैं जिम नहीं गई, क्योंकि मेरे को जिम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए टाइम भी चाहिए और आपका माइंड मेकअप भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो मेरे को जिम जाना ऑलरेडी पसंद नहीं है। लेकिन वॉक मैंने बहुत ज़्यादा करी, सुबह 5 बजे उठी हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ, और अपने बच्चों को स्कूल लेना छोड़ना पड़ती हूँ, जिससे मैं अपना जो है शरीर का ध्यान भी रख पाती हूँ। खूब सारा पानी पीती हूँ और चाय भी पीती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि चाय बिल्कुल भी छोड़ दी, मतलब कम पीती हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें जैसे 2 चीज़ नहीं लेनी है अपनी लाइफ में, मैदा हमें कट ऑफ कर देना है, चीनी नहीं लेनी है, इन सबके करके आप अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हो, घर पे रह के आराम से आपका वेट लॉस हो जाएगा, जैसे मेरा हो वैसे आप लोग अपना भी वेट लॉस कर सकते हैं। जरूर ही वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, ओवर वेट होने से हमारा जो है बीपी, थायराइड, कई ज़्यादा बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं,
उम्र के हिसाब से तो वो दिक्कत नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जैसे 30 के बाद 40 के बाद वो हमारे शरीर में जो है कई बीमारियां घर कर जाती है जो कि दिक्कत करती है। इसलिए हमें जो है अपना वेट